आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल BSEB ऑनलाइन तैयारी पर स्वागत है। आप जो स्क्रीन पर ये आइकन देख रहे हैं यह Google Drive है। हाँ, यह Google Drive है जिसमें हम लोगों को 15 GB तक का मेमोरी स्पेस मुफ्त में मिलता है। इसके यूज करने के तरीके पर हम लोग विचार करेंगे और इसमें क्या क्या रखेंगे और इसमें ड्राइव में रखने का तरीका, उसमें से अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स को हटाने का तरीका, सारे विधि पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्या करेंगे, खोलेंगे। ओपन करने के लिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे पास खुलेगा। यहाँ पर से हम लोग आइकन में बदलाव कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। देख रहे हैं इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ आपका जो नाम रहेगा उसका सिंबल आपको यहाँ पर से दिखते रहेगा। उसके बाद हम लोग को माई ड्राइव है, कंप्यूटर से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, होम है, फेवरेट है, शेयर है, फाइल्स है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पर फाइल कैसे लाना है। फाइल लाने की विधि से जानने के पहले आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद फोल्डर आएगा। फोल्डर पर हम लोग क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेंगे। वो आपको अपने हिसाब से फोल्डर का नाम रखना है जो आपको रखना है। फ़ोटो मान लीजिए हमें फ़ोटो रखना है तो फ़ोटो क्लिक कर क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, फ़ोटो का एक फोल्डर बन गया। इसी प्रकार से हम लोग एक से अधिक फोल्डर भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, तो प्लस पर जा कर के आप क्रिएट फोल्डर कर सकते हैं। फोल्डर बनने के बाद हम लोग का क्या करेंगे, इसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली, इसमें कोई आइटम नहीं है। तो पहले हम लोग करेंगे इसमें आइकन लाना कैसे है, तो प्लस पर पुनः क्लिक करेंगे। फोल्डर के बाद दूसरे में देख रहे हैं अपलोड है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डायरेक्ट हमारे मोबाइल का मेमोरी स्पेस में चला जाएगा और जो भी फ़ोटो होंगे, वीडियो होंगे, सब यहाँ से क्या होगा, दिखने लगेगा। तो पहला ऑप्शन है, उस पर हम लोग यदि जो भी हमारा इम्पोर्टेंट फाइल है उस पर हम लोग क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इस फाइल को लाना है तो इस पर क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइल वहाँ अपलोड होने लगेगा। फाइल जब वहाँ पर अपलोड होगा तो इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देख रहे हैं अभी अपलोड होने की प्रोसेस पर है, ये घूम रहा है, ठीक है ना। तो इस पर इंतज़ार करेंगे तो ये देख रहे हैं, फिर हमारा ये जब वो अपलोड हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस में जा करके, फिर अपलोड में जा करके हम लोग को दूसरा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होगा उसे सेलेक्ट करेंगे तो उस पर भी क्लिक करने से ये फिर वहाँ पर अपलोड होने का प्रोसेस हो जाएगा। या दूसरा विधि, हम लोग फिर उसमें जाएंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको उसे लॉन्ग प्रेस कर देना है। उसे क्या है, जो लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर देखें ओपन दिख रहा होगा, तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद ओपन पर जब हम क्लिक करेंगे, एक से अधिक फाइल जब सेलेक्ट करना हो तो इस तरह से ओपन दिखेगा। ओपन पर क्लिक करेंगे तो सेम यह अपलोड होने का प्रोसेस पर आ जाएगा। देख रहे हैं बारी बारी से मैंने 3 फोटो यहाँ पर अपलोड कर चुका, ठीक है। तो हम लोग को इससे बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए 2 विधि है, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे या तो फाइल पर क्लिक करेंगे, दोनों से हम लोग वापस जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं अपने फोल्डर के पास हम लोग पहुँच गए। फोल्डर में फिर जाते हैं तो हम लोग को देखना है कि इसको क्या क्या कर सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने यूज के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। मेक ए कॉपी बना सकते हैं, सेंड भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं, किसी दूसरे फाइल में इसको मूव कर सकते हैं, इसके डिटेल्स को देख सकते हैं, ये सारी है। प्रिंट कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद देख रहे हैं यहाँ से वो फाइल चला गया, तो अब हम लोग उसे प्राप्त कैसे करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ से फाइल पर या वो बैक बटन पर जा करके हम लोग क्या करेंगे, वापस हो जाएंगे। फ़ोटो में देख लेते हैं कि वापस हो गया है। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि 3 यहाँ पर एक बार है डॉट बाएं तरफ, बाएं तरफ में देखते हैं एक बिन बना हुआ है। बिन पर क्लिक करेंगे तो जो डिलीटेड आइटम होगा जो बिन पर दिखाते रहेगा। जब उसके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो रीस्टोर का ऑप्शन आएगा, रीस्टोर कर देंगे तो जहाँ से फाइल डिलीट हुई है वहाँ पर यह स्वतः चल जाएगा। डिटेल्स एक्टिविटी जो भी हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा कि क्या है इसका। फिर डिलीट फॉर एवर यदि कर देते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, डिलीट फॉर एवर करने के बाद ये हमारे मोबाइल से
पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, अंडो करने पर से भी वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं फिर जब सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ देखिए 15 GB का स्पेस हम लोग को दिखा रहा है। इसके महत्वपूर्ण बात अब हम लोगों को देखना है सेटिंग में। सेटिंग में बहुत सारे का फाइल अपलोड नहीं होता, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे नीचे डाटा यूजेज है, डाटा यूजेज में वाई ओवर वाईफाई। तो यदि हम लोग इसे ओपन कर देंगे तो अगर वाईफाई रहेगी तभी हमारा फोटो अपलोड होगा, ठीक है ना। इसे यदि ओपन रहेगा, ये ब्लू टाइप का देखिए, यदि ऐसा रहेगा तो जब हमारा वाईफाई ऑन रहेगा, किसी दूसरे वाईफाई से रहेंगे तभी हमारा क्या होगा, फाइल अपलोड होगा। लेकिन इसे अगर बंद करके हम लोग रखेंगे तो बंद करना क्या है, इस पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो ये बंद हो जाता है। अब हमारे मोबाइल डाटा से ये क्या होगा, संचालित होगा, मोबाइल डाटा से अपलोड होगा। यहाँ तक हम लोग सिंपली समझ लिए। फिर प्लस आइकन पर जाते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर स्कैन है, डायरेक्ट स्कैन करके हम लोग फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट्स पर, गूगल की जो डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड की फाइल, वहाँ अपलोड कर सकते हैं। एमएस एक्सेल की फाइल रहेगी उसे अपलोड कर सकते हैं, या गूगल स्लाइड्स की भी यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, या उसके फाइल को यहाँ पर रख सकते हैं। इतना सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग 15 GB का मेमोरी यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और इसे क्या कर सकते हैं, इसके यूज़ को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। इसी प्रकार से इसमें कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।